क्या आप भी पुरानी डिब्बा टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलना चाहते हैं? हाँ, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। आपको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा नोकिया टीवी स्टिक। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, ये मैंने 3000 रुपये की मंगाई है। चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा, फिर मैं आपको सेट करना दिखाऊंगा और इसको चलाना बताऊंगा कैसे चलाना पड़ता है। तो ये हम बॉक्स से निकाल लेते हैं। तो बॉक्स के निकालने के बाद ये इसमें एक बिल है, ये बिल देख लो आप, 3000 रुपये का। एक्चुअली मैं इसको पहले ही यूज कर चुका हूँ, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। ये ऊपर की तरफ कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप स्टॉप करके इसको चेक कर सकते हैं। पीछे नोकिया की ब्रांडिंग है, नीचे इन्फॉर्मेशन कैसे आप इसे घर में सेट कर सकते हैं। फ्रंट के और ऊपर नोकिया की ब्रांडिंग, नीचे ओके गूगल, मतलब गूगल से कुछ भी सवाल जवाब। बगल में आपको देखने के लिए मिलेगा एंड्रॉइड, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, आपको मिल जाएगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार, G5, ऊपर की ओर आपको मिलेगा ब्लूटूथ, आपके इसमें प्रोसेसर मिल जाएगा, यानी कि गेम भी खेल सकते हैं। आपको डुअल वाईफाई मिल जाएगा, दो ठंडे वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बगल में कितना सामान मिलेगा, ये है हमारा बॉक्स। अब हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। ये इसमें से 3 बॉक्स निकलेंगे, ये हमारा मेन सामान, ये है मेन्यू, आपको कैसे सेट करना है सब जानकारी है इसमें। घर बैठे आप आराम से इससे सेट कर सकते हैं, काफ़ी यूज है इसका। तो हम लोग खोलेंगे अपना सबसे छोटा बॉक्स। इसमें निकला है चार्जर 5 वोल्ट का, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, क्यूट। अब इसमें से निकलेगी हमारी डाटा केबल, ये है HDMI टूल, जिसमें से एक लगेगी टीवी में और एक लगेगा हमारा नोकिया टीवी स्टिक में, जिससे कि हमारी टीवी स्मार्ट हो जाएगी। ये है, देख लो जी, ये पतली वाली लगेगी टीवी स्टिक में और चौड़ी वाली लगेगी टीवी में। और ये है हमारी डाटा केबल, जो कि चार्जर से आएगी और हमारी टीवी स्टिक में लगेगी, नोकिया टीवी स्टिक पे। और ये आप कोई भी डाटा केबल लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस चार्जर नोकिया का होना चाहिए। और ये इसमें हम लोगों को एक सेंसर मिल जाएगा, जो कि हमारे रोबोट कंट्रोल में कभी कभी काम में आ सकता है। और ये हमारा तीसरा बॉक्स, इसमें निकलेगा हमारा रोबोट, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें रोबोट में आपको माइक मिल जाएगा और इस बॉक्स में आपको डुअल बैटरी मिल जाएगी, जो कि इस बैग में डलेगी। हम लोग बैटरी भी निकाल लेते हैं, ये हमने डाल दी बैटरी इसमें, ये हमारा रोबोट हो गया है चालू। आप देख सकते हैं इंडिकेटर चलेगा, बीच में LED लाइट है, वो जलती है, कोई बटन दबाओ आपको रोबोट मिल जाएगा G5 एंड नेटफ्लिक्स, एक ही बटन में चालू कर सकते हैं। ये हमारा मिलेगा आपको नोकिया टीवी स्टिक, जैसे हमने पन्ने से निकाला है, नोकिया की ब्रांडिंग, पीछे को बारकोड और कुछ जानकारी आप देख सकते, देख लीजिए पीछे भी नोकिया लिखा हुआ है। बाकी ये काफ़ी क्यूट है, आपके एक हाथ में आ जाएगा, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी स्लिम है, पतला है ये। तो आइए अब हम इसको सेट करके बताएंगे आपको इसे कैसे टीवी में सेट करना है। तो चलिए, टीवी में सेट करने के लिए आपको एक चीज़ लेनी पड़ेगी, ये HDMI टूल। ऑनलाइन में आपको 250 से लेकर 350 तक का मिल जाएगा और दुकान में आपको 350 से लेकर 400 के बीच में, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे HDMI लगेगी आपकी और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे चार्जर कभी लगाना पड़ेगा कभी नहीं। यहाँ पे मिल जाएंगे 3 थोड़ा आपको पोर्ट, जो कि आप जहाँ पे सेट टॉप बॉक्स लगाते हैं वहाँ पे लगा देंगे। अब हम देखेंगे कैसे अपने कनेक्शन करना है, कौन सी उपकरण में। ये हमारी HDMI टूल है, जो आपकी छोटी वाली पिन है वो लगेगी हमारी टीवी स्टिक में और बड़ी वाली लगेगी HDMI टूल में। तो ये छोटी वाली लगा देते हैं हम पहले अपनी टीवी स्टिक में, नोकिया टीवी स्टिक पे। ये मैं एक यहाँ से लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ से मोबाइल पकड़े हूँ, मेरे पास एक ही मोबाइल है। और ये बड़ी वाली HDMI टूल में लगेगी HDMI केबल। अगर आपकी टीवी में HDMI केबल लगाने का है तो आप सीधे लगा सकते हैं, आपको ये बॉक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी टीवी में HDMI टूल नहीं था, इसलिए मुझे ये बॉक्स लेने वाला अलग से, सेट टॉप बॉक्स का है। तो ये मैं सेट टॉप बॉक्स वाली पेन यहाँ पे लगा दे रहा हूँ 3 ठोर। तो इसकी दूसरी वाली पेन में अपनी यहाँ सेट टॉप बॉक्स लगता है वहाँ पर लगा दूँगा। ये एक 2 ऑडियो की है, 1 वीडियो की है, आप लोग बदल बदल के ला के भी देख सकते हैं अगर ना समझ में आए। ये हमारी इसकी लग गई है, अब हमको बस टीवी में लगानी पड़ेगी यही 3 पिन, दोनों तरफ एक सी पिन है इस लीड में,
सेट टॉप बॉक्स वाली है, ये सभी को मालूम रहता है ये कैसी रहती है। अब हम अपने चार्जर से का कनेक्शन कर लेंगे, नोकिया टीवी स्टिक में लगा लेंगे चार्जर को अपने। ये हमारा नोकिया टीवी स्टिक HDMI टूल में फिक्स हो गया है, और ये हमारा चार्जर की पिन है, ये हम अपने इसमें डाटा केबल लगा लेंगे पिन में। एक यहाँ से लगाना पड़ रहा है तो थोड़ी सा टाइम लग रहा है। आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो पूरी देखना, काटना मत। और मैं उल्टा लगा रहा था, मैं ये सीधा लगा देता हूँ और ये एक ही बार में लग जाएगा, और ये लग गया। और इसकी डाटा केबल बहुत ही बड़ी है, आपका अगर प्लग दूर भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हम अपने चार्जर में लगा देंगे इसकी USB, ये हमारी USB इसके चार्जर में लग गई। आराम से, तो चलिए हमारा पूरा कनेक्शन हो गया। अब चलते हैं अपन लोग अपनी टीवी की ओर, पहले एक बार कनेक्शन देख लें। बस मुझे ये टीवी में लगाना है सेट टॉप बॉक्स की जगह पे, ये देख लीजिए ये हमारा पूरा कनेक्शन, ये टीवी का है, और ये नोकिया टीवी स्टिक का चार्जर, और ये इसकी डोरी यहाँ से आई और ये हमारी टीवी स्टिक में लगा दी। और ये है HDMI केबल जो हमारी HDMI टूल में लग गई। HDMI टूल से जो केबल आएगी वो सीधे हमारी लगेगी जहाँ सेट टॉप बॉक्स लगती है वहाँ पे केबल। तो अब ये हम लगा देते हैं ये वीडियो वाली, ये वाइट वाली वीडियो में, और ये ऑडियो यानी कि आवाज़ की है, ये दोनों एक ही वीडियो की। और ये हमारा कनेक्शन हो गया सक्सेसफुली। अब हम लोग अपना टीवी चालू कर लेंगे और एंड चार्जर भी। जैसे ये चार्ज चालू होगा आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ी टीवी चालू होने में टाइम लगेगा, पुराना टीवी है ना इसलिए। ये हमारा टीवी चालू हो गया, अब हम लोग AB लगा लेंगे। ओह बंद हो गया फिर से, चलिए फिर से चालू कर लिया। अब हम लोग AB लगा लेते हैं, ये आ गया AB जो सेट टॉप बॉक्स वाला होता है। ये देखिए हमारा नोकिया टीवी स्टिक चालू हो चुका है। इसमें पेयर करने के लिए ये कह रहा है एक मध्य करने वाला एक बीच वाला बटन दबाना है, मध्य करने वाला माइनस और एंड बीच वाला 5 सेकंड तक आप होल्ड रखिए, लाइट जलेगी और ये हो गया सक्सेसफुली, यानी हमारा रोबोट कनेक्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग सब सुपर रहने देंगे, इंग्लिश में दबा दिया ये हमारा खुल गया। आपको ID और लगानी पड़ेगी अपने मोबाइल से, वो आप लोग खुद कर लेना, मैंने नहीं बताया क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल था। यहाँ से आप लोग क्रोम कास्ट कर सकते हैं एंड वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाएंगी मोबाइल वाली। तो हम लोग आपको सबसे पहले दिखाएंगे YouTube चला के। और मैं एक बात और बता दूं, आप इसमें क्रोम कास्ट में किस चीज़ को कह रहा हूँ, आप मोबाइल की स्क्रीन टीवी में भी देख सकते हैं, मतलब फोटो जैसा आपकी मोबाइल की स्क्रीन चलेगी वैसा ही टीवी चलेगा। तो हम लोग YouTube कर लेते हैं ओपन, एंड ये हो गया ओपन। उफ़ कैमरा तो नहीं चुक गया, कैमरा ऊपर एंड यूट्यूब ओपन ओपन। ऑप्शन से गलत बटन दब गया, बैक आता हूँ। बैक काफ़ी तरह ये मोबाइल की तरह रहेगा, आपको बैक आ जाना है और फिर YouTube ऑन कर लेना है। देख सकते हैं आप लोग YouTube भी चल रहा है एकदम फ्री, एंड आप लोग सर्च कर भी सकते हैं एंड माइक में भी बोल सकते हैं। रोबोटी में माइक है, आपको माइक में आना है और बीच वाला बटन दबाना है, एक बार अलाउ कर देना, ये एक्सेस मारा है ऐसे दे देना यानी कि परमिशन। हम लोग बीच में दबा के, मैं पठान का टीजर देखना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा इसके माइक में, रोबोट में बोलूँगा पठान का टीजर और लिख जाएगा वहाँ पे स्पेलिंग पूरा। उनमें ये बोल दिया, ये आ गया पठान का टीजर, ये स्पेलिंग गलत हो गया, फिर से बोलता हूँ पठान का टीजर। तो अब ये मैंने बोला अच्छे से, ये आ जाएगा पठान का टीजर।
तो आप लोग देख ही सकते हैं ये आ गया है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। मोए वाले मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है दिख रहा हो, बाकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी लैगिंग हो रहा है, बहुत भी अच्छे से काम कर रहा है एंड स्पीड अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है एंड ये मैं 250 प्रिंट में दिखा रहा हूँ यूट्यूब का, 1080 सोचिए कितना साथ आएगा और जो 1080 क्वालिटी रहती है उससे भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है टीवी स्टिक की, नोकिया टीवी स्टिक की, ये पठान का टीवी है। ये मैं बैग आ जाता हूँ, पठान का टी शर्ट पूरा देखूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और भी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको काफ़ी सारे मॉल मिल जाएंगे इसमें, और यूट्यूब कट भी है, आप ये देखिए यूट्यूब के लिए यानी उससे बच्चों के लिए चला सकते हैं, बच्चों के साथ की चीज़ें रहती हैं इसमें, और आपको मिल जाएगा इसमें प्ले स्टोर भी जहाँ पे आप गेम वेम डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ऐप, और आप मोबाइल से भी चीज़ें इसमें डाल सकते हैं, फिल्में फोटो, और इससे आप अपने मोबाइल में भी ले सकते हैं कुछ भी चीज़। और ये देखिए मैं आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये मेन्यू वाला बटन दबाएंगे तो आपके जितने भी ऐप डाउनलोड है वो आ जाएंगे, मैंने वहाँ पे दबाया और प्ले स्टोर ओपन कर लिया, देख लीजिए मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया, ये ऐसा रहेगा, ये आपको ऊपर सर्च का मिल जाएगा, मोर का मिल जाएगा, नीचे आएंगे आपको OTP वाली ऐप भी मिल जाएंगी इसमें, जैसे कि मैं नीचे आके दिखाता हूँ आपको, ये बूट ऐप है, ये नीचे आप देख सकते हैं 7 ऐप काफ़ी ऐप हैं, ये मैंने गेम पे क्लिक किया, ये देख सकते हैं आप, ये गेम है, आप गेम भी खेल सकते हैं इसमें, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम हैं, पर हाँ ज़्यादा हैवी वाले गेम नहीं है इसमें, वो अलग कर दिए हैं क्योंकि इसमें थोड़ी अलग तरीके का है प्ले स्टोर, सेम मोबाइल वाला नहीं है। और ये आपको सर्च का मिल जाएगा, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ MX प्लेयर, आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा और ओपन करके भी दिखाऊंगा, ये देख लीजिए आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं, आप गेम भी खेल सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ MX प्लेयर, ये मैंने लिख लिया MX एंड सर्च कर देता हूँ सर्च, ये आ गया मेरा MX प्लेयर ऊपर है, और ये मैंने डाउनलोड कर लिया, ये जब तक डाउनलोड हो रहा है देख लीजिए आप, स्पीड भी काफ़ी तेज रहेगी, ये MX प्लेयर TV, ये हो गया MX प्लेयर TV हमारा डाउनलोड। चलिए इसको ओपन बाद में कर लूँगा मैं आपको, तो हम अब बैक आके कुछ और दिखा देते हैं आपको, तो ये मैं आ गया बैक, यहाँ पे आप गेम भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे गेम हैं, मेरे पास नेट नहीं है वरना मैं आपको गेम डाउनलोड करके चला के दिखाता, ये देख लीजिए आप कार वाला गेम ओपन करके कितना अच्छा गेम है, ये आप लोग खेल सकते हैं, बाकी अगर आपके पास डब्बा TV है तो उसमें भी ये खेलने मजा आएगा, और कई TV ऐसी रहती हैं जिसने नई TV ली उसके बाद स्मार्ट TV आ गई तो वो TV भी अच्छी है, तो उसके लिए ये चीज़ सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि TV तो अच्छी है बस स्मार्ट नहीं है, तो अपनी TV को स्मार्ट बना सकते हैं। मैंने मेन्यू वाला बटन दबाया, ये सारे ऐप आ गए मेरे, ये मैंने MX प्लेयर ओपन कर लिया, ये देखिए MX प्लेयर TV ओपन, मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ से ओके हिंदी ओके नीचे आऊँगा और साल में एंड ये हमारा हो गया ओपन। अब मैं देख लीजिए आप ये वेब सीरीज हैं, वेब सीरीज में भी कुछ भी देख सकते हैं आप, इसमें MX रैम है वो भी एकदम फ्री में, कुछ चीज़ें इसमें पेड रहती हैं मतलब वो देखने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये मैंने मूवी वाले में गया, देख लीजिए आप इतनी सारी मूवी मिल जाएंगी आपको, इसमें आपको सारे OTP वाले ऐप मिल जाएंगे, सिर्फ JioTV को छोड़ दें, बाकी जियो सिनेमा काफ़ी सारे ऐप हैं इसमें, वाला बटन मिल जाएगा आपको,
ये क्रोमकास्ट, वाईफाई मिल जाएगा आपको, ये काफ़ी सारी सेटिंग है। आप लोग इसको रीसेट भी कर सकते हैं, इसमें वर्ल्ड रीसेट होता है, उसको भी रीसेट कर सकते हैं। ये क्रोमकास्ट आप यहाँ पर आके क्रोमकास्ट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल की स्क्रीन चलेगी वैसे ही आपकी टीवी की स्क्रीन चलेगी। अगर वो आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको जानकारी दे दूँगा। मैं बैक आ जाता हूँ, और बैक, और ये मेन्यू वाले बटन में लगाया, और ये देख लीजिए ये सारे ऐप जितने भी ऐप डाउनलोड होंगे वो सारे यहीं आएंगे। आप जितने भी ऐप डाउनलोड करना चाहें, इसकी रैम है 2GB एंड 8GB। ये काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाएंगी आपको, वो जैसे मोबाइल रहता है कुछ तरह ही मोबाइल यहाँ है, बस थोड़ी बहुत आपको अलग लगता है, और रोबोट चलाने में कुछ दिन आपको नयापन लगेगा। मैं आपको सेटिंग में बाद में बताऊंगा, इसलिए मैं बैक आ गया। चलिए अब हम लोग अपना ओके गूगल चेक कर लेते हैं, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा। और ये मैंने दबा दिया, मैं इससे कुछ बोलता हूँ और ये मुझको बताने लगेगा, देख लीजिए आप। कोई भी सवाल जवाब आप पूछ सकते हैं, ये इसने बता दिया। अब मैं बैक आ जाऊँगा, अब मैं केस को बंद कर देता हूँ, ये हो गया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कोई अच्छा सा कमेंट